हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ऑडिट। क्या कह रहा है ये चैप्टर? जर्नल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारे ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जर्नल वाले, ठीक है, और ऑडिटर्स की उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है वो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये कुछ एसेज कवर करेंगे। एक तो है एसे 240, 250, 260, 299 और 402। 402 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 240। 240 क्या कहता है? द ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 250 कहता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 260 कहता है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। 299 कहता है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 402 कहता है जॉइंट ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं एसे नंबर 240 पे। कहाँ से स्टार्ट है ये? यहाँ से है, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम एसे पढ़ेंगे कितना, 240, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये एसे क्या कहता है? ये एसे कहता है कि आपकी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड मिलता है तो ऑडिटर क्या क्या करेगा। ऑडिटर कौन? हम। इस पूरे चैप्टर में ऑडिटर कौन है? हम। हम एक कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं जो कि एक छोटी कंपनी है। उसका एक मैनेजमेंट होगा, एक TCWG होगा। TCWG समझ लेते हैं कंपनी का मालिक, और हम मैनेजमेंट समझ लेते हैं कि कंपनी का अकाउंटेंट। मैं लेकर चल रहा हूँ, बड़ी कंपनीज में जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजर लेवल तक के लोग होते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, अकाउंटेंट को भी मैनेजमेंट लेवल पे गिना जाता है। और TCWG जो होता है हमारा कंपनी का मालिक होता है। बड़ी कंपनी में उल्टा, बड़ी कंपनी में छोटी सी पोस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मैनेजमेंट आप मैनेजर्स को बोल सकते हो, और TCWG आप बोल सकते हो CEO लेवल हो गया, CFO लेवल हो गया, या फिर तुम्हारा मतलब किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी वाली, तुम्हारा MD हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम अलग कर लेते हैं, लेकिन आज के हम अपने एग्जांपल में ऑडिटर कौन है? हम। सामने कंपनी कौन सी है? छोटी कंपनी। मैनेजमेंट है हमारा अकाउंटेंट, और मालिक है हमारा TCWG, ठीक है। ऐसे करके हम चलेंगे। पहले है इसका स्कोप बात कर रहे हैं, ये स्कोप क्या है इसका। देखो, ऐसे 240 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट रिक्वायरमेंट्स असिस्ट द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड डिजाइन प्रोसीजर टू डिटेक्ट सच मिस स्टेटमेंट। क्या होता है, देखो, हम इसमें ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पर फ्रॉड ढूंढने की। यहाँ पर क्या होता है, इट्स रिक्वायरमेंट असिस्ट द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड एसेस मिस RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को मैं यहाँ बोलूंगा RMM। तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं, RMM, जिससे आपको क्या, ठीक है, RMM ड्यू टू फ्रॉड एंड डिजाइन द प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट सच मिस स्टेटमेंट, और डिजाइन करता है ऐसे प्रोसीजर ताकि वो मिस स्टेटमेंट मिल पाए। तो यहाँ पर है ना, अल्टीमेटली देखें ना, इस पॉइंट को पढ़ के क्या पता चल रहा है, यहाँ पर पता ये चल रहा है कि 315 प्लस 330 की यहाँ पर हेल्प हो रही है। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या बोल दिया कि 315 और 330 की यहाँ हेल्प हो रही है। जी हाँ, 315 में हम क्या करते हैं, 315 में हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, और फिर हम 330 में उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 240 का। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना, एक्सेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट, एक मिनट, ये जो आपका ये एक्सेस करने वाला है ना, यही ऐसे 315 है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 315 भी आप अगर नाम भी पढ़ोगे ना 315 का, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका 315 में काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। तो 240 में 315 नहीं आता, कई बच्चे कहते हैं 240 के अंदर 315 आता है, मतलब नहीं, 240 315 की हेल्प करता है, ठीक है। सारे ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 315 में हम पढ़ेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पर बता रहा है आपको, ठीक है कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको ये हुआ तो ये करना है, ये किया तो ये करना है, अभी पढ़ेंगे चैप्टर में। तो 240 तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है बस,
आपको डिटेल में मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोल रहा, डिटेल में आइडेंटिफाई करना हम 315 में सीखेंगे। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एसेस्ड रिस्क, जो भी आपको रिस्क मिला है उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करोगे, ठीक है, ड्यू टू फ्रॉड और मटेरियल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फ्रॉड थ्रू डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। इसके लिए अब आप डिजाइन करोगे एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो भी सही हो, जिससे आप एविडेंस जुटा पाओ, ठीक है। तो ये आ गया आपको ऐसे 330 की बात यहाँ पर हो गई। आप फर्दर ऑडिट प्रोसेस करोगे, सैप अप्लाई करोगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, तो वो यहाँ पर बात आ गई। तो डिटेलिंग में कहाँ चेक करेंगे 315 में, फिर उसके हिसाब से फैप और सैप हम डेवलप करेंगे 330 में। लेकिन ये और ये वाला ऐसे आपको क्या बता रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरा है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड थ्रेड। कोई भी फ्रॉड अगर आपको सस्पेक्टेड लगता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड आप करोगे, वो तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। तो पेपर के लिए क्या ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। आपको जानना जरूरी था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव्स, ये तो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। इसके बाद आ जाओ मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड इज ए इंटेंशनल एक्ट। फ्रॉड का ये मतलब नहीं आपसे कोई गलती से हो गया, नहीं, आपने इंटेंशनली नहीं मतलब जानबूझकर कोई काम किया है, वो होता है फ्रॉड बाय वन और मोर इंडिविजुअल, एक या एक से ज्यादा लोगों ने, अमॉन्ग मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने किया हो, मतलब अकाउंटेंट ने किया हो, या मालिक ने किया हो, या किसी और एम्प्लॉय ने किया हो, किसी और भी कोई भी एम्प्लॉय ने किया हो, या थर्ड पार्टी ने किया हो, मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर किया हो, या थर्ड पार्टी ने आपकी कंपनी के साथ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर को पता है कुछ और वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर ऐसे फ्रॉड करना तो नहीं चाहिए बट कर रहा है, मान लो एक्चुअली है वो फ्रॉड कर रहा है, भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। इससे आप क्या कर रहे हो, एक अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज ले रहे हो, तो वो उसे बोलते हैं फ्रॉड। मतलब फ्रॉड में आप एडवांटेज तो ले रहे हो, लेकिन इलीगल और अनजस्ट मतलब गलत तरीके से और इलीगल तरीके से अगर आप एडवांटेज ले रहे हो तो वो फ्रॉड में आ जाएगा। तो फ्रॉड की डेफिनेशन यहाँ खत्म हो गई, बहुत ईजी थी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ आ जाओ। देखो फ्रॉड दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के फ्रॉड होते हैं। नंबर वन होता है आपका मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम, मतलब मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन वो रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही आपने गड़बड़ कर रखी है। दूसरा है मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। आप एसेट के साथ खेल रहे हो, कैश के साथ, मशीन्स के साथ, किसी भी, अभी आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो इतना आप समझ लो। इसके बाद ये दोबारा से रिपीट किया हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ना एक बार पेज नंबर 2.7 पे आ जाओ, ठीक है, पता नहीं इन्होंने पहले ये पढ़ाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आप पेज नंबर 2.7 पे आ जाओ। इसमें लिखा है हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। भाई सबसे पहले तो देखो फ्रॉड जो हुआ है सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है फ्रॉड को डिटेक्ट और वो करने की, अरे कंपनी में फ्रॉड हुआ है मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी है सबसे पहले डिटेक्ट करने की, भाई मैं तो साल के एंडिंग में आता हूँ, तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी वो रहेगा मैनेजमेंट की और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की, मतलब मालिक की और वो उसके एम्प्लॉय की, मतलब वो जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले तो फ्रॉड को डिटेक्ट करे। मैं तो बाद में आके चेक करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा काम तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक तरीके से अपनी ओपिनियन देना, ठीक है, तो मेरा तो वो काम है, मेरा काम नहीं है फ्रॉड को ढूंढना। अगर कल को मान लो कोई फ्रॉड ऐसा मिल जाता है और कल को मान लो बोला कि मेरे को मेरे गिरवान में हाथ डाला है इन्होंने, तो मैं तो भैया रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा कि मैंने अच्छे से ऑडिट करी है, कुछ फ्रॉड्स मुझे मिले हैं, अब कोई फ्रॉड ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को नहीं मिला हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी मेरी गिरवान पे हाथ डाला जाएगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, ठीक है, आप इसको इतना ही पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग फ्रॉड रिड्यूस अपॉर्चुनिटी टेक कमिटमेंट, हाँ यहाँ से पढ़ लो। इट इन्वॉल्व्स कमिटमेंट टू क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर विच इज रिफोर्ड बाय दोस्त चार्ज, मतलब वही है कि मैनेजमेंट को एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए अपनी कंपनी में, एथिकल बिहेवियर डेवलप करने चाहिए ताकि फ्रॉड हो ही ना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये रहा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 2.8 पे। हम पहले जो पेजेस छोड़े हैं उस पे अभी चल रहे हैं, पहले मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको समझ आता रहे। फिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की। तो देखो
एन ऑडिटर कंडक्टिंग ऑडिट विद अकॉर्डिंग विद द SA 240 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस। पहली बात तो वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, एब्सोल्यूट नहीं लेगा, रीजनेबल लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टेकन फ्रॉम फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। एक मिनट, वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट बीन डिडक्टेड इवन दो द ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपरली इन अकॉर्डिंग विद द SA, ठीक है। वैसे ये चीज़ चलो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि पेपर के लिए आपको क्या क्या लर्न करना है, ठीक है। तो इसमें तो देखो ये तो इजी था कि वो देखेगा कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने चाहिए, अगर नहीं है तो फ्रॉड और एरर कौन सा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक इनहेरेंटेशन लिमिटेशन बच जाएगी ऑडिट की, जिसमें एक अनअवॉइडेबल रिस्क होगा कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसके भी नोटिस से डिटेक्ट ना हुई हो, ठीक है, वो भी डिटेक्ट ना कर पाओ। तो ये मतलब ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो आता है कि उससे भी कुछ ना कुछ छूट सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑडिटर सब कुछ ही ढूंढ लेगा। ऑडिटर है भैया, फॉरेंसिक ऑडिटर नहीं है, स्टैट ऑडिटर है। इसके बाद आ जाओ, हाँ यही पढ़ते हैं द पोटेंशियल, ये पूरा ही ठीक है, पूरा ही पढ़ लो, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम एरर। देखो एक होता है मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से हुआ है, एक है मिसस्टेटमेंट जो एरर की वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सा खतरनाक होगा, फ्रॉड वाला कि एरर वाला? एरर वाला तो गलती से हुआ है, हो सकता है उधर मिसस्टेटमेंट जो हो या अमाउंट जो हो या फिर मतलब कोई जो मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो कम हो या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फ्रॉड में तो पक्का ही ज्यादा होगी ना मिसस्टेटमेंट, वहां तो घपले घोटाले हो ही रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, अगर हमने डिटेक्ट नहीं कर पाए रिस्क को तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की ज्यादा होगी देन एरर से, ठीक है, ठीक है। बिकॉज द फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कीम डिजाइन इन कंसील इट इन अ फ्रॉजरी एंड डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेड बींग बी ऑडिटेड, ठीक है, ये छोड़ दो। इसके बाद आ जाओ यहां पर ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑफ स्किलफुलनेस, ये भी छोड़ दो। एक मिनट यहाँ आ जाओ नीचे, ये रहा, यहाँ आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लिया ना आपने यहाँ से, अब यहाँ आ जाओ। रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड, मतलब एम्प्लॉय फ्रॉड इतना बड़ा नहीं कर पाएगा जितना मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। कैसे, एग्जाम्पल दे दो सर, मैनेजमेंट और TCWG यहाँ दोनों की बात हो रही है। देखो मालिक और मैनेजमेंट, मतलब जैसे अकाउंटेंट हो गया या फिर बड़ी कंपनीज में कोई मैनेजर लेवल का हो गया, ये लोग बड़े घपले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये बनाते हैं, इनके हाथ में कैश है, इनके हाथ में एसेट्स हैं, ये बड़े घपले कर सकते हैं ग्रेटर देन एम्प्लॉय फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड क्या कर लेगा, छोटा मोटा 10,000 रुपये चुरा लिया, स्टेशनरी चुरा के ले गया, इससे ज्यादा बड़ा फ्रॉड तो नहीं कर सकता ना एम्प्लॉय, क्या फ्रॉड कर सकता है, उससे फ्रॉड हो ही नहीं सकता इतना बड़ा जितना ये लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज देखो रीजन भी दे रखा है, पोजीशन ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ओवरराइड कंट्रोल्स प्रोसीजर डिजाइन टू प्रिवेंट सिमिलर फ्रॉड्स और अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। वेन हाँ ये पॉइंट भी पढ़ लो, वेन ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, जब वो रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग जब ऑप्टेन करेंगे एज अ ऑडिटर, तो हम लोग है ना प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म भी रखेंगे। अच्छा प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म क्या होता है, काफी बच्चों को तो याद आ गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं, बींग अ क्वेश्चनिंग माइंड, हमेशा पूरी ऑडिट में ना क्वेश्चनिंग माइंड रखना थ्रू आउट द ऑडिट, कि ये कैसे हुआ, ये क्यों होगा, यहां पर भी तो फ्रॉड हो सकता है, ये किस लिए हुआ, तो आपको ऐसे करके ऑडिट करनी है। लेकिन इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, काफी जगह ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको पूरी ऑडिट ये यहाँ नहीं आएगा, स्टैट ऑडिट में नहीं, वो अदर टाइप की ऑडिट्स होती हैं, वहां पर स्पेक्टिज्म माइंड हम नहीं रख सकते, वहां पर हमें नॉर्मल चलना होता है, जहां पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। मतलब क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, क्या होता है आप ऐसा नहीं है पूरा टाइम ऐसे क्वेश्चनिंग माइंड रखोगे ये तो गलती होगा ये तो गलती होगी, नहीं आप इन्वेस्टिगेशन करो लेकिन एक नॉर्मल ओपन माइंड सेट से, यहां पर नहीं होता है। स्टैट ऑडिट में आपको एक प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड रखना होता है, आप मैनेजर अपने जो भी स्टाफ है मैनेजर है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें खोजे जा रहे हो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल चेकिंग नहीं है ना। डिटेल चेकिंग तो इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इनमें होती है, यहाँ तो डिटेल चेकिंग है नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्टिवली ठीक है, बस यहाँ तक कर लो। ये नहीं, ये लाइन भी पढ़ लो। कंसिडरिंग द पोटेंशियल मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल एंड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ऑडिट प्रोसीजर दैट आर इफेक्टिवली फॉर डिटेक्टिंग एरर मे नॉट बी इफेक्टिवली इन डिटेक्टिंग फ्रॉड। अच्छा, उसी का ही रीज़न बता रखा है वैसे तो देखा जाए तो स्पेक्टिज्म का ही, कि क्यों क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए। क्योंकि देखो जो मैनेजमेंट है ना वो ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को, मतलब वो अपने कंट्रोल से भी बियॉन्ड जाके चीज़ें कर सकता है। और जो ऑडिट प्रोसीजर है ना वो इफेक्टिवली देखो एरर तो डिटेक्ट कर लेती है लेकिन हो सकता है वो फ्रॉड डिटेक्ट ना कर पाए, तो इसलिए आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा ताकि आप फ्रॉड को ढूंढ पाओ। देखो क्या होता है ना, एरर्स तो आपको इजीली मिल जाती हैं, आपने ऑडिट करी होगी या फिर आपने नहीं करी। तो मैं बता दूं, हम जब ऑडिट करने जाते हैं ना तो हमें एरर्स मिल जाती हैं, जैसे TDS गलत काटा है, यहाँ पर 2 नहीं 10% TDS कटना चाहिए था। मैनेजमेंट से ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, फिर हम ठीक करवाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी एरर तो होती रहती है, हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन फ्रॉड ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, फ्रॉड इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आपको ना एक क्वेश्चनिंग माइंड करके ऑडिट करनी पड़ेगी ताकि आपको अगर कोई फ्रॉड मिलता है तो आप रिपोर्ट कर सको। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, व्हाट आर द, नहीं ये नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे अब आ जाओ पहले वाले पेज पे जो हमने छोड़ दिए थे, पेज नंबर 2.6। हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी कॉज बाय एंटिटीज। भाई ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कॉज होती है, मतलब कैसे ये एंटिटीज करती हैं इस फ्रॉड को। तो देखो भाई यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी अकम्प्लिश बाय द फॉलोइंग। कैसे करते हैं ये लोग मतलब कैसे ये घोटाले करते हैं। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता क्या होती है, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशनली काम हो रहा है। एक तो ये मैनिपुलेशन और फॉल्सिफाइंग और ऑल्ट्रेशन मैनिपुलेशन और फॉल्सिफाई ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे हैं या फिर जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया, गड़बड़ घोटाला कर दिया, फॉल्सफाई कर दिया, झूठा दिखा दिया, या फिर ऑल्टर कर दिया, अमाउंट्स को ही चेंज कर दिया, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और इनइंटेंशनल ओमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट ट्रांजेक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर ओमिटी कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी इवेंट या ट्रांजेक्शन को, ठीक है, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को, या फिर इंटेंशनली मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अमाउंट क्लासिफिकेशन मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ठीक है, इंटेंशनली मिस एप्लीकेशन किया है। तो आप ना यहाँ पर ध्यान से देखो, हर चीज़ इंटेंशनली हो रही है। ठीक है, तो ये तो थे वो, तो ये पेपर में चांस है इसको को लगने का, तो इसको एक तो पेपर के लिए मार्क कर लो। इसके अलावा अब नीचे आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन लगता है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 मार्क्स पे लग सकता है, ये भी 4 मार्क्स में लग सकता है। ये क्या है, ये है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल दैट अदरवाइज मे बी अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मतलब क्या, मैनेजमेंट अपने कंट्रोल्स को ऐसे ओवरराइड कर रहे हैं कि जो दिखने में तो सही लग रहे हैं कि यार सब कुछ काम सही तो है, लेकिन उन्होंने सच में घोटाला किया है। तो फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं, इनको लर्न कर लेना, ये टेक्निक्स आ सकती हैं। क्या, एक एक करके मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए, मैनेजमेंट को ने अपने कंट्रोल्स को ऐसे ओवरराइड कर रखे हैं कि वो अपीयर हो रहे हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दिखने में तो सही लग रहे हैं, लेकिन देखो मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, रिकॉर्ड फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट और अचीव देयर अदर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर है ना, लिख लो साइड में कहीं पर, एग्जाम में इस पे सेपरेट क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसमें क्या है, इसने क्या बोला,
कोई केस स्टडी आई थी तो उसमें ना आंसर में आपको ये वाला रेफरेंस देना था, तो ये सिंगल पॉइंट लिखना था, बाकी पॉइंट्स नहीं लिखने थे, ये सिंगल पॉइंट लिखने के बाद आपको बताना था, लास्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे वो लिखना था कि आप अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर सकते हो, मतलब अनेबल टू कंटिन्यू लिख दो यहाँ पर, कि यहाँ पर टॉपिक अनेबल टू कंटिन्यू वाला भी आ जाएगा अगर एग्जाम में बस ये सिंगल केस स्टडी पूछ ली इस वाले पॉइंट पे, ये क्या क्या रहा है पहले वो बता दूँ। देखो ऐसा हो सकता है कि आपने जर्नल एंट्रीज के साथ खिलवाड़ किया, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज करी, और कब करी, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, बिल्कुल अकाउंटिंग ईयर के एंड में। मैं चलो क्वेश्चन भी बता देता हूँ, मुझे याद ही आ गया। इन्होंने क्या किया था, एक बंदे को हायर किया, बोला कि इस पर्सन को हम है ना 2-2 लाख करके पेमेंट दे रहे हैं हर महीने की, तो हमने साल के एंड में इसको 24 लाख की पेमेंट दे दी। जब ऑडिटर ने चेक किया तो देखा कि उसके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं है, ना बैंक से पैसे कटे हुए हैं, ना कोई कैश गया हुआ है, कैश तो देखो 24 लाख दे ही नहीं सकते हैं, ना बैंक से पैसे कटे हुए हैं, ना वो जो रिसीवर है उसके बैंक में कोई पैसे आए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं मिला। और इन्होंने अपने PNL में दिखा रखी है 24 लाख की एंट्री, क्यों, प्रॉफिट कम करने के लिए, ताकि टैक्स कम जमा हो, प्रॉफिट कम आए, तो ये तो भाई चीटिंग हो गई ना। तो ये तरीके से हमें देखना है कि क्या हम इस एंटिटी से विड्रॉ करेंगे, इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करेंगे, तो वो विड्रॉ वाला पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, मतलब लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो वो यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर करोगे तो वैसे भी तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, यार 1 मिनट, मेरे को कुछ इसमें बताना तो नहीं है अदर, नहीं ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है इन अप्रोप्रिएटली अनजस्ट एजम्पशन, कोई अनजस्ट मतलब अनजस्टिंग एजम्पशन ले रखी है तुमने जो इन अप्रोप्रिएट है, एंड चेंजिंग चेंजिंग एडजस्टमेंट जजमेंट्स यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेज, मतलब आपने कोई प्रोविजन बना रखा है ठीक है, और जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। मान लो आपका प्रोविजन बनना चाहिए, लिटिगेशन का प्रोविजन बनना चाहिए, लिख लो ये एग्जांपल, लिटिगेशन प्रोविजन चाहिए 1 लाख का, आपने 10 लाख का बना रखा है मजे मजे में, या फिर 10 लाख का बनना चाहिए और आपने 1 लाख का बना रखा है, कल को अगर मुश्किल आ गई फिर क्या करोगे। नहीं वैसे ये वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, वो पहले वाला आएगा कि 1 लाख का बनाना चाहिए था, आपने 10 लाख का बना रखा है ठीक है, तो ये तो गलत कर रखा है ना, इनअप्रोप्रिएटली गलत एजम्पशंस ले रखी है, तो ये भी एक फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है कि ओमिटिंग एडवांसेस और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, क्या पता चल रहा है इससे, 1 मिनट, हाँ आपने क्या किया, आपने ओमिट कर लिया या एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट, भाई साहब आपने रिपोर्ट मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन मान लो रिकॉर्ड ही नहीं करी, जैसे मान लो साल के एंड में कोई मार्च में ट्रांजेक्शन हुई, आपने डिले कर दी, छोड़ना अप्रैल में रिकॉर्ड करने के, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, इस साल का हम प्रॉफिट को कम कर देते हैं, तो ये चालाकियां नहीं चलेंगी, ये गलत तरीका है ठीक है। कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई फैक्ट ही डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो भी गलत है। एंगेजमेंट एंगेजिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन दैट आर स्ट्रक्चर एंड मिस रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन और द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, ठीक है 1 मिनट, इसमें क्या है, इसमें मतलब आपने कोई मान लो ट्रांजेक्शन के साथ ही मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के साथ ही खिलवाड़ किया है कुछ, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटिंग टू द सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, आपने मतलब रिकॉर्ड्स कोई चेंज कर दिया, ऑल्टर मतलब चेंज कर दिया टर्म्स और या कोई रिकॉर्ड चेंज कर दिया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन वहां पर दिखा दी या कुछ भी कर दिया, तो वो आप ऐसा नहीं करोगे, तो आप ये फ्रॉड के कुछ वो हैं कि ये टेक्निक्स हैं ठीक है, ये टेक्निक्स हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर में लग सकता है, मैंने आपको करवा दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, यहां पर क्या कह रहा है ये, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, बना हुआ है वैसे तो पास्ट में, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट पे, आपने एसेट के साथ खिलवाड़ किया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कैन बी कंप्लीट इन वेराइटी वेज, तो ये वेज क्या क्या है, ये पेपर में बन सकता है। एक तो है एम्ब्लेजिंग रिसिप्ट, जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना ही पेपर में लिखना, पूरा मत लिखना। एम्ब्लेजिंग रिसिप्ट का क्या मतलब है, कस्टमर से मना मनी आया, आपने दबाकर बैठ गए, आपने दिखाया ही नहीं, तो एम्ब्लेजमेंट ऑफ रिसिप्ट करी आपने, आपने दिखाई नहीं रिसिप्ट को। स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैं मशीनरी उठा के घर ले गया जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या लूँ, वाटर प्यूरिफायर उठा के घर ले गया, अपने घर में चला रहा हूँ ठीक है, ये तो गलत है ना। आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा किसके लिए था, कंपनी के लिए खरीदा था, घर के लिए खरीदा था, कंपनी के लिए, लेकिन मैं चोरी करके ले गया। इसके बाद है कॉजिंग एन एंटिटी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, आपने क्या किया, सप्लायर के साथ है ना एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया तू है ना तू तू गुड्स मत दे, तू पैसे ले जा, फिर शेयरिंग कर लियो, 5% तू रख लियो, 95% मुझे कैश में दे दियो।
यूजिंग द एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, आप पर्सनल यूज के लिए एंटिटी के एसेट को यूज कर रहे हो, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एसेट्स को मतलब मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हो, एसेट्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, तो ये गलत तरीके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो अब तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, कितना ईजिली मैंने समझा दिया, हो जाएगी ना बल्ले बल्ले, या नहीं होगी अभी भी। चलो आ जाओ इस पे, पेज नंबर 2.8 पे। वॉट आर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो मैं आपको ना फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता दूं। पहली बात, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो वो है ना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऐसे इवेंट और कंडीशन होते हैं जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से है ना इंडिकेट कर रहे हैं एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। इसको पढ़ के यहां तक छोड़ दो, अब मैं बताता हूं ढंग से। देखो आपको है ना फ्रॉड, फ्रॉड में फ्रॉड जो होता है ना आपका तीन उसमें क्लासिफाई होता है, यहां पर कुछ भी नहीं पढ़ना, यहां पर यार अलग अलग से दे रखा है क्या, मैं चलो यही बता देता हूं। देखो आपके ना फ्रॉड तीन तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका इंसेंटिव और प्रेशर में, कि आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है तो आपको फ्रॉड करना पड़ेगा, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको किसी ने बोला, आपको मान ले मालिक ने ही बोल दिया कि फ्रॉड करना पड़ेगा, तो आप करना पड़ेगा ना, वरना आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे, वो उस बंदे को रख लेगा जो फ्रॉड करेगा, ठीक है। आपके ऊपर प्रेशर बहुत हाई है, कोई और भी रीजन हो सकते हैं। इसके बाद है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है फ्रॉड करने की, मतलब आपको, आपका दिमाग ऐसा है कि यार मैं खुद ही फ्रॉड कर लूंगा, छोड़ो सब कुछ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी जैसी आई मैंने उसका चौका, मौके का चौका मारा और मैंने फ्रॉड कर लिया। तीसरा होता है यहाँ पर आपका एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, मतलब आपकी इमेज ही इतनी अच्छी बनी हुई है कि आप पे कोई डाउट ही नहीं कर सकता, आपका एटीट्यूड इतना अच्छा है, आपने उसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तीसरा होता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएगा ये, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिस स्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो पहला आता है आपका इंसेंटिव और, नहीं 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 सबसे पहले तो ये ध्यान दो, जो रिस्क फैक्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको रिस्क फैक्टर क्या बोले, ऐसे इवेंट और कंडीशन, क्या बोले मैंने, ऐसे इवेंट और कंडीशन, तो वो इवेंट एंड कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। पहला इवेंट और कंडीशन है आपका फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें कैसे गलतियां हो सकती हैं। तो पहला है आपका इंसेंटिव और प्रेशर, मतलब आपके ऊपर प्रेशर है, तो देखो क्या होगा, क्या आपको ये पूरा पढ़ना है, तो आंसर इज यस। एक मिनट रुकना बच्चों, हाँ तो मैं आपको ना कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क करवा लेता हूँ, वो पढ़ लो, ऐसा करो। देखो पहले ये तो पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज, तो पहला हो गया हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, मार्केट सेचुरेशन accomplished by declining मार्जिन। यार आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आपकी कंपनी ही डूब रही है, तो आपको फ्रॉड करना ही पड़ेगा अपनी कंपनी को जिंदा रखने के लिए, तो आपने फ्रॉड कर दिया। देखो वैसे तो ये गलत है, लेकिन आपने कर दिया तो, मतलब ये तो एक तरीके से आपको केसेस बता रहा है कि इन केसेस में आप कर सकते हो। तो ये एक तो होगा कि आपका, आप एज अ ऑडिटर कैसे ढूंढोगे, ये आपको वो सिखा रहा है, तो आपको पता चला कि इस कंपनी का बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, मार्केट सेचुरेशन है, मतलब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद इनके प्रॉफिट भी डूबते जा रहे हैं, तो यहां पर है ना आपका क्वेश्चनिंग माइंड, वही है ना जो हमने पढ़ा था, स्केप्टिसिज्म आपका ऑपरेट हो जाना चाहिए, दिमाग की बत्तियां जलनी जानी चाहिए कि हो सकता है यहां मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किया हो, ठीक है। तो ऐसे आप ऑडिट में पता लगाएंगे। देखो ना ऑडिट की बुक ही हमारी ऑडिट करने में कितनी हेल्प करती है, ये ऐसे हमें यही तो सिखाते हैं कि ऑडिट करते कैसे हैं। इसके बाद आ जाओ दूसरा सिग्निफिकेंट, ये वाला पढ़ो, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड इंक्रीजिंग बिजनेस फेलियर इन आइदर इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग थ्रेट टू बैंक्रप्सी, ठीक है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कंपनी की हालात इतनी बुरी है कि उसको करना पड़ जाए। इसके बाद है न्यू अकाउंटिंग स्टैचुरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि आपके पास मतलब न्यू अकाउंटिंग स्टैचुरी जैसी लॉ में अमेंडमेंट आया तो आपने भैया वहां पर घपलेबाजी कर दी, ठीक है। जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड आपने FR में पढ़ा होगा, तो ट्रांजिशन पीरियड में आपने कोई घपलेबाजी कर दी, तो ये देखना है जब भी कोई न्यू अकाउंटिंग या कोई न्यू लॉ आए तो आपको चेक करना है कि सब सही से एप्लीकेबल तो किया है ना इन्होंने सब कुछ, ऐसा तो नहीं इन्होंने मजे ले लिए बीच में कोई फ्रॉड कर दिया हो, तो वो चीज आपको यहाँ देखना होता है। तो ये चार पॉइंट्स कर लो, बाकी देखो बाकी रीड कर लेना, ये चार पॉइंट्स भी पेपर में लिखोगे तो काफी है। मैंने तो वो मार्क करवा दिए थे जो इन्होंने अपने वो सजेस्टेड आंसर्स में दे रखे होते हैं। एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर द मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर द फॉलोइंग,
ये क्या कह रहा है दोस्तों भाई, हो भी तो सकता है कि क्या नाम है आपका, थर्ड पार्टी का ही आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्ट, एक मिनट, प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इतना ही करो ठीक है। नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेप्ट और इक्विटी फाइनेंशियल, ठीक है, स्टे कॉम्पिटिटिव। आपको भाई डेप्ट की या इक्विटी की जरूरत थी, इसलिए आपने मतलब प्रेशर में आके आपने फ्रॉड किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चमकाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मार्जिनल एबिलिटीज टू मीट द एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में आने के लिए आपने कुछ ऐसा खेल खेला, ठीक है। इसके बाद है परसीव्ड और रील, रियल होगा सॉरी, रियल रियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब आपने कोई एडवर्स इफेक्ट ऑफ पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट, अच्छा पुअर फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं आपके, उसको आपने ठीक करने के लिए फ्रॉड किया। तो ये कुछ तरीके दे रखे हैं कि थर्ड पार्टी के दबाव में आके, थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या हो जाएगी इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट को ठीक करने के लिए, हमारे जो यूजर्स होते हैं मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे शेयर होल्डर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स बेसिकली। तो मतलब ये इन सब के लिए आपने ये फ्रॉड किया। इसके बाद आती है अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर आ जाओ अपॉर्चुनिटीज पे नीचे। अपॉर्चुनिटीज क्या कहती हैं दोस्तों, देखो अपॉर्चुनिटी क्या, हमारे पास ही ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आ गई। द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन द फ्रॉड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैन अराइज द फॉलोइंग। पहला है सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और विद रिलेटेड एंटिटीज नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय अनदर फर्म। मतलब ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं करी हुई। जैसे मैंने कोई अपने, जैसे कि मान लो मेरा ही कोई रिलेटिव था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कोई एसेट दे दिया अपना बहुत सस्ते दामों पर, और ये चीज़ दिखाई नहीं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दिखा दिया कि भैया मैंने एसेट नहीं दिया, मैंने तो कोई कंसल्टेशन दिया, कुछ भी करा है ठीक है, तो मैंने तो पैसे उस बात के दिए हैं। तो बहुत सारे मतलब ऐसी ऐसी मतलब धोखाधड़ी आप कर रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो, जो कि मतलब ऑडिट भी नहीं हुई उसकी और ऑडिट ऑडिट अदर फॉर्म ने भी नहीं करी हो, जैसे कि इंटरनल ऑडिट भी ना हुई हो उस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उसको करने का, फ्रॉड को करने का। तो इसके बाद है कि ये सिग्निफिकेंट वाला कर लो, एक ये कर लो, एसेट लाइबिलिटी रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट्स और अनसर्टिनिटी दैट आर डिफिकल्ट टू कॉरोबरेट, ठीक है ये तो इजी था। इसके बाद है सिग्निफिकेंट अनयूजुअल हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन स्पेशली दोज क्लोज द पीरियड एंड एंड पोज डिफिकल्टी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ठीक है, वही आपने बैलेंस शीट के एंड पे ऐसा कोई अनयूजुअल या हाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कर दिया। इसके बाद आ जाओ यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएटरी फॉर विच देयर अपीयर नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। आपने कोई ऐसे, देखो यहाँ पर मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, बिजनेस इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है आपकी सब्सिडरी, मतलब आपने अपनी सब्सिडरी का किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट कर दिया जिसकी कोई क्लियर जस्टिफिकेशन ही ना हो। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशन इन टैक्स हेवन ज्यूरिडिक्शन और विच अपीयर्स टू बी नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। आपने कोई टैक्स हेवन कंट्री जैसे दुबई जैसी किसी कंपनी के साथ कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया है जिसका कोई क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों किया है, किस लिए किया है, तो कोई ऐसा क्यों, क्योंकि वो टैक्स हेवन कंट्री है। तो ये अपॉर्चुनिटीज का आपने ऐसे फायदा उठाया है, ठीक है। ये हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा आ जाओ ये रहा, तीसरा है ये रहा एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन। एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरी छवि इतनी अच्छी है कि मेरे को देख के लगता ही नहीं है कि भाई साहब मैंने फ्रॉड किया हो, ठीक है। ये हिंदी में याद रखो, अब मैं पढ़ाता हूँ आपको उसको। ये वो वाला पॉइंट कहाँ गया, जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना, बस वो पढ़ते रहो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पहला है लो मॉरल अमोंग सीनियर मैनेजमेंट। आपके सीनियर मैनेजमेंट में मॉरल्स ही नहीं है भैया, ठीक है, मॉरल्स ही नहीं है। वो लोग भैया घपला करते ही करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है भैया, जब ऑडिटर उनसे बात करेगा तो थोड़ा बातों में ही पता चल जाता है, पता चला इनके अंदर मोरल्स ही नहीं है। ये लोग है ना हमेशा ऐसी टेढ़ी टुकड़ी बातें करते हैं, हमेशा लोगों को धोखा देने की ही बातें करते हैं। तो समझ जाओ कि इन्होंने अपनी कंपनी में भी पक्का ही घोटाले किए ही होंगे, जब भाई साहब लोग जिंदगी में ही इनके मॉरल्स नहीं है तो इन्होंने अपनी कंपनी में कैसे समझ सकते हो कि फ्रॉड ना किया हो।
ठीक है। तो ऐसे पता चलता है यार, ये पता है, ये बात सच भी है। आप ना सीनियर मैनेजमेंट से जब बात करते हो ना, जैसे सीएफओ लेवल हो गया या फिर कंपनी के मालिकों से बात करते हो ना, पता चल जाता है। मैंने करा है, मैंने देखा है, कई लोग ना बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और वो सच में अच्छे भी होते हैं, और वो सारे काम एथिकली भी करते हैं। बीजेपी सपोर्टर होते हैं, बताते हैं कि टैक्स जमा करवाना चाहिए, हमारे देश का भला होता है, देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, देश की तरक्की का बातें कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार ये बंदे ठीक है। मैं बीजेपी के यहाँ फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो कांग्रेस की तारीफ कर रहा हो, डजंट मैटर इन हेयर। तो ऐसे मत ले लेना इस बात को। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि मान लो मैंने कहा भी, जगह ऐसे भी देखा है कि वो लोग ना बहुत ऐसे बात कर रहे होते हैं, भैया हमें टैक्स बचाना है, आपको अपॉइंट किया है, मैंने ऐसे ऐसे 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट रख रखे हैं, सारे लोग टैक्स बचाते हैं। मैं यहाँ समझ जाऊंगा पक्का घोटाला हुआ है, भैया मुझे घोटाले पकड़ने हैं, बस सीधी सी बात है। तो लो मोरल हो गया। इसके बाद आ जाओ ये वाला पॉइंट, यार एक तो है ना, मैं ना पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जो कि मैंने उसमें देखे थे। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पढ़ लेते हैं अभी हम ना। द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ओनर और मैनेजमेंट ने कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन में, उन्होंने कर ही नहीं रखी कोई डिस्टिंक्शन पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन में, जो कि गलत है ना। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जैसे कि मान लो उन्होंने घर का कोई खर्चा किया, वो भी बिजनेस में डाल रखा है, मुझे पता चलती है ये बातें। तो यहाँ पर मैं अपना दिमाग घुमाऊंगा और रिपोर्ट करूंगा इस चीज को। इसके बाद है डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर इन क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली देखो क्या होगा, क्लोजली हेल्ड कंपनी के जो वो जो भी शेयर होल्डर होंगे उनका तो कंट्रोल होगा कंपनी के ऊपर, तो उनके हमें डिस्प्यूट देखने हैं। तो ऐसे है, डिस्प्यूट है तो मतलब यहाँ पर रैशनलाइजेशन और एटीट्यूड वाले फ्रॉड हो सकते हैं। इसके बाद है यहाँ जो पेज नंबर 11 पे नीचे, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीज इज द एंटिटी स्टॉक प्राइस और अर्निंग ट्रेंड। भाई साहब इन्होंने क्या क्या रखा है, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय द मैनेजमेंट मेंटेनिंग, इनका सारा ध्यान स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने में ही लगा पड़ा है। तो अगर अगर हमें मैनेजमेंट से बात करते हुए पता चलता है कि भाई साहब उनको सारा काम टाइम यही सोचते रहते हैं कि स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़े, हम क्या करें जिससे कि स्टॉक का प्राइस बढ़े, तो समझ जाओ कि यहाँ पर फ्रॉड इन्होंने करे ही होंगे, क्योंकि ये एथिकली तो नॉर्मल चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर है ना कुछ क्वेश्चनिंग माइंड से आपके ये डेवलप हो जाते हैं पॉइंट्स। इसके बाद यहाँ आ जाओ, मैं सॉरी ही इतने चेंज करवा रहा हूँ। मैनेजमेंट फॉलिंग टू रेमेडिंग नोइंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड टाइमली बेसिस। ठीक है, देखना है कि मैनेजमेंट में कोई ऐसा तो नहीं है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का, टाइमली मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व ही ना किया हो, तो ये देखना है। यार मैं ना इतना ऊपर नीचे इसलिए हुआ, मेरे को ऐसा मत सोचना कि कर क्या रहा हूँ मैं। एक्चुअली सजेस्टेड आंसर में ऐसे पॉइंट्स दे रखे थे तो मैं वैसे ही पढ़ा रहा था, बाकी सब नहीं दे रखे थे। बाकी सब आपको पढ़ने हो तो रीड कर लेना, बस यहाँ तक ही रीड करना, ठीक है, इस पॉइंट तक, इसके बाद रीड मत करना। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा, दूसरे वाले पे। ये है रिस्क फैक्टर रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग और ड्यू टू एसेट्स। मतलब आपके एसेट्स में ये क्या कह रहा है कि जो आपकी एसेट्स की वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन इन एसेट्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रिस्क फैक्टर हमें देखने हैं, मिस स्टेटमेंट जो हो रही है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में किया जा रहा है। अभी तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एसेट्स के साथ कर रहा है। तो कैसे कैसे करेगा, देखो सबसे पहले तो आता है इंसेंटिव और प्रेशर में आके करेगा। कैसे करेगा इंसेंटिव और प्रेशर में आके, अरे इसके पॉइंट्स कहाँ गए, मैंने थोड़ा थोड़ा आज मैं ये है ना रीड कर लेना एक बार, मतलब वही सब सब सेम चीजें हैं जो मैंने अभी पढ़ाई थी, मतलब लेकिन वो बस एसेट के उसमें बात कर रहा है, बट मैं ये पॉइंट्स पढ़ाऊंगा आपको। नो और एंटिसिपेट फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ। यार मैंने ये वाला पॉइंट भी एक मिनट पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर एक था ये रहा, चलो पूरा ही पढ़ा देता हूँ। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज विद एक्सेस ऑफ कैश और अदर एसेट्स एक्सपेक्टेबल टू क्रिएट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ दोस एसेट्स। ठीक है, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉयज विद एक्सेस टू कैश और अदर एसेट्स एक्सपेक्टेबल थ्रेफ्ट में मोटिवेट दोज एम्प्लॉयज टू मिस अप्रोप्रिएशन दोज एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल एडवर्स रिलेशन विद में क्रिएट फॉलोइंग। देखो क्या हुआ,
ये क्या हो सकता है, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉयज़। अगर आपके एंटिटी और एम्प्लॉयज़ का एडवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ मतलब ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ और अब उनकी बन नहीं रही है मैनेजमेंट की, तो पता क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है ना घोटाला गड़बड़ घोटाला ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा थ्रेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, उनको मोटिवेट होंगे वो लोग, भाई आपकी बनी नहीं रही आपके एम्प्लॉयज़ से, तो भैया वो लोग तो मोटिवेट होंगे ना यहाँ पर घोटाला करने के लिए, वो तो चाहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसके लिए दे देता हूँ कि एक एम्प्लॉय है वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर है ना सबका प्रमोशन हो गया मेरे को छोड़ के, अब क्या लगता है वो आपको, या तो वो कंपनी छोड़ देगा दूसरी कंपनी में चले गया, लेकिन मैंने देखा वो कंपनी छोड़ के ही नहीं गया, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो घोटाला कर सकता है, तो मैं उस पर पर्सनल नज़र रख सकता हूँ। यार मुझे ऑडिट इसलिए बेस्ट लगता है ये बुक, पता है हमारी स्टडी मटेरियल एक एक चीज़ बताती है तुम्हें, सोचो तुम्हें अगर यही पॉइंट्स तुम फाइनल में सीए फाइनल में पेपर के लिए बार 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 पढ़ोगे, जब तुम ऑडिट करने जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चल जाएगा, कोई मैनेजमेंट का स्टाफ तुम्हारे पास आया उसने बोला भैया यहाँ सबका इंक्रीमेंट हुआ मेरा नहीं हुआ, तो मेरा 2 मिनट में दिमाग जाएगा भैया तू कंपनी छोड़ के क्यों नहीं गया, नहीं गया अब तू पकड़ा गया अब मैं तेरे पे ध्यान दूंगा। तो इस तरीके से ऑडिट होती है। अब देखो फॉरेंसिक ऑडिट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने देखा रीसेंट और एंटीसिपेटेड चेंज इन एम्प्लॉय कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, कोई कोई चेंजेस या रीसेंट मतलब रीसेंट चेंजेस हुए हैं एम्प्लॉय और कंपनसेशन और बेनिफिट प्लान्स में, प्रमोशन कंपनसेशन और अदर रिवॉर्ड इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। आपने देखा जो प्रमोशन हो रहे हैं वो बहुत अजीब तरीके से हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा हो रहे हैं किसी के कम हो रहे हैं, विदाउट एनी रीजन हो रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गए प्रेशर में आके, इस इंसेंटिव या प्रेशर में आके। दूसरा है अपॉर्चुनिटी थ्रेट, सॉरी अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट। अपॉर्चुनिटी वाले फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश है, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी इंक्रीज है नहीं ये तो नॉर्मल है। इन्वेंट्री आइटम आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज हाई वैल्यू और हाई डिमांड, आपके पास ऐसी इन्वेंट्रीज है जिसका साइज बहुत कम है, मतलब छोटी छोटी इन्वेंट्रीज है जैसे गोल्ड डायमंड के हो गए, जिनकी वैल्यू हाई है और हाई डिमांड है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि भैया कोई चोरी करके ले जाए, ठीक है। इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स सच एज बीआरआर बॉन्ड डायमंड कंप्यूटर चिप्स, तो ये वाली चीजें हो गई, इसको भी लोग चोरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फिक्स्ड एसेट विच आर स्मॉल इन साइज मार्केटेबल लैक ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, तो मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट है जो छोटे साइज में है उसको लोग चुरा के ले जा सकते हैं, मार्केटेबल है, मार्केट में बिक भी सकता है वो, और क्या नाम है उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है ओनरशिप की, मतलब कि अगर आप कल को चोरी भी करके ले जाए और आपके घर में वो पाया गया और हम आपको बोले तो आपने कंपनी से चुराया, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो मार्केट से खरीद के लाया, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो चोरी कर रहे हैं, तो ये हाँ अपॉर्चुनिटी है एसेट को चोरी करने की ही, ठीक है। अरे ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां पर मैंने देखा जो मेरा प्रोडक्शन हेड था ना, प्रोडक्शन हेड में एक बंदा आता था जो पूरे कंपनी में छोटे मोटे वर्कर के एक्सपेंसेस देखता था, तो वो प्रोडक्शन हेड वाला क्या करता था, तो उसको ना 50,000 दिए जाते थे महीने के। अब इतनी करोड़ों की कंपनी में 50,000 उसको दिया जाते थे, तो लगता था यार ये बहुत कम नहीं है, लेकिन अमाउंट बहुत सही था, क्यों, क्योंकि उसको वर्कर्स के ऊपर वो खर्चा करना होता था बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे वर्कर्स के लिए ग्लव्स मंगवा दिए, वर्कर्स के लिए कभी यूनिफॉर्म मंगवा दी, तो 50,000 बहुत सही अमाउंट। अगर मान लो यही 5 लाख अमाउंट होता तो मेरा शक जाना चाहिए कि यार इतना बड़ा अमाउंट कैश में इसको दे क्यों रखा है, ठीक है, चेक काट के दे दो। देखो अब बात ये आती है कि खर्चे तो और भी होते होंगे, तो चेक काट के दो ना, ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना वर्कर्स के ऊपर, ये कैश में ही करने पड़ते हैं, और कोई वो नहीं होता रास्ता। दिमाग की बत्ती चल गई, अरे एक्चुअली मेरे फ़ोन में है ना वो आ रहा है क्या नाम है पता नहीं, एक लाइट जलती जा रही है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन, अब क्या होता है आपने आपका एटीट्यूड ऐसा बन चुका है, आप उसको रैशनलाइज भी कर देते हो, चलो पढ़ के देखते हैं। डिसरिगार्ड ऑफ द नीड ऑफ द मॉनिटरिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ रिलेटिंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, डिसरिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल ओवर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट बाय ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल और फेलिंग टू टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन नोन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, मतलब आपका क्या हुआ, आपने कंट्रोल से भी ज्यादा अपना मतलब एक्सरसाइज किया कंट्रोल को और मिस अप्रोप्रिएट किया एसेट को, और अगर कोई मतलब ऐसा आपको पाया भी गया तो वो डेफिशिएंसी में आपने कोई रेमेडियल एक्शन भी नहीं लिया, मतलब आपने होने दिया, ठीक है। बिहेवियर इंडिकेटेड डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन विद द एंटिटी और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। आपने देखा कि आपके मतलब डिससेटिस्फेक्शन है आपकी एंटिटी और एम्प्लॉयज का,
तो वहां पर भी देखो ये हो सकता है फिर फ्रॉड। और चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल ऑफ मे इंडिकेट एसेट टू बी बिहेव मिस, इसका क्या मतलब है? तो आपने देखा कि जो हमारा एम्प्लॉयज है भाई साहब, उसके लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। मतलब पिछले महीने तक जो है, जो मैंने देखा था एज अ ऑडिटर, जो एम्प्लॉय देखा था कि भाई साहब नॉर्मल स्प्लेंडर में आ रहा था, नॉर्मल कपड़े पहनता था, आज अचानक से गाड़ी में आने लग गया, अचानक से उसके भाव बढ़ गए। तो भैया ऐसे कैसे भाव बढ़ गए? हो सकता है वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर कोई फ्रॉड कर रहा हो, इसलिए मैनेजमेंट उसको साइड का अच्छा खासा कमीशन दिया है, इसलिए उसके लाइफस्टाइल बदल गए। टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट, ये इस पे मैं आता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है हर्षद मेहता, हर्षद मेहता ने जब घोटाला किया, या फिर ये आया था एक स्कैम, ये नोट वाली स्कैम आई थी, हर्षद मेहता का केस नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, वो भी ले सकते हैं वैसे, हर्षद मेहता का हो गया, या फिर ये स्कैम आया था जो वो पैसे वाला स्कैम था, वो जो नकली नोट बनाता था, तो वो क्या करता था, वो जो मुस्लिम गाय था जो ये नकली नोट बनाता था, वो क्या करता था, अब उसने देखो गलत तरीके से पैसा तो बहुत कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, लेकिन वो पकड़ा कैसे गया, अमीर लाइफस्टाइल की वजह से, उसकी लाइफस्टाइल लोगों को दिख गई। ऐसे ही हर्षद मेहता के साथ हुआ। हर्षद मेहता का क्या हुआ, उसकी लाइफस्टाइल जब इतनी तगड़ी दिख गई ना, तो बरखा दत्ता जो उस टाइम की वो जो थी ना रिपोर्टर, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी भैया इसकी लाइफस्टाइल इतनी कैसे बढ़ गई, अमिताभ बच्चन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ घूम रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां लेक्सस में घूम रहा है, भाई कुछ तो चक्कर है। तो वो उसके पीछे पड़ गई और उसने कई लोगों के साथ मिलकर उसके फ्रॉड को बाहर लेकर आई। बरखा दत्ता उसके पीछे गंदी तरह पड़ी थी वैसे देखा जाए तो। टॉलरेंस ऑफ पिटी थेफ्ट, आपके यहाँ पर छोटी छोटी थ्रेफ्ट की चोरियां होती हैं एसेट्स की, आपने टॉलरेट कर रखे कि हाँ ठीक है होने तो कोई बात नहीं। जैसे आपके यहाँ पर मानो नट बोल्ट बनते हैं, 1000 नट बोल्ट बनते हैं, डेली के 10-20 चोरी हो जाते हैं, आपने कहा कोई बात नहीं है, चोरी होने कोई नहीं ना, ये वैसे गलत है ठीक है, लेकिन आपने ये कर रखा है, तो वो यहाँ पर ये भी फ्रॉड का एक वो हो सकता है। हो सकता है आपने जानबूझ के आपने कहा कि अरे हम इतना टॉलरेट कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन असलियत में क्या पता आप भी वो फ्रॉड कर रहे हो, कि मतलब आपने बुक्स में दिखा दिया हो कि देखो हमने इतनी प्रोडक्शन करी, इतना थ्रेफ्ट हो गया, इतना हमें लॉस हो गया। तो ये तो आपका ही एरर है ना, आप जानबूझ के फ्रॉड करना चाहते हो और आपने बोल दिया कि ये तो हमारी टॉलरिंग पावर है भैया। व्हाई एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर ऑफ ऑडिटर इज नेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना कि क्यों जरूरी है रिस्क फैक्टर। देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ जनरली कि क्यों जरूरी होता है, कि भाई देखना, डिटेक्ट करना, वही सेम चीजें हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, ऐसा कोई इतना कोई बड़ी चीज नहीं दे रखी। इसके बाद यह जो मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको भी या तो रीड कर सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, ये पेपर में नहीं आएगा ठीक है। इसके बाद आ जाओ डिस्कसिंग अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम। हाँ डिस्कशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम में देखो, एंगेजमेंट टीम एम्फेसिस हाउ द एंटिटीज सस्पेक्टेबल मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड, हाउ फ्रॉड माइट अकर, अदर डिस्कस शैल अकर रिप्रेजेंटिंग टू द मेंबर्स ब्रीफ। वो ये है कि आप अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ भी डिस्कस करोगे कि फ्रॉड कैसे हो सकता है, हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली उसके बेसिस पे क्या फ्रॉड हो सकता है, और आपको ये भी देखना है कि जो भी आपको बिलीव कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट और TCWG की क्या ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को चेंज करना है कि नहीं करना है, या जो आपको लग रहा है वो सही है। मैंने यहाँ पर हाँ ये बता देता हूँ, देखो हो सकता है आपको मैनेजमेंट और TCWG के साथ डिस्कशन से तो लगा कि यार ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना कि आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही सच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ये तो लोग कमाल ही कर देंगे, जैसे पता चला वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ, या वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, मैं भी कांग्रेस सपोर्टर हूँ, उन्होंने कहा देश का डेवलपमेंट होगा, ये होगा वो होगा, मैंने कहा यार ये लोग तो बहुत ही सच्चे हैं, ऐसे लोग फ्रॉड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होगा, ऑडिट में आप ये करके नहीं चल सकते, आपको स्पेक्टिज्म माइंड रखना ही पड़ेगा ठीक है। इसके बाद आ जाओ ये वाला पॉइंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन फ्रॉड ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज ठीक है, यहाँ इन्होंने पॉइंट्स में नहीं दे रखा है इस चीज को। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है, आप पढ़ोगे अभी, मतलब कोई कहीं क्वेश्चन आएगा, इस बुक में तो नहीं है, मैंने अभी देखा आपको, मतलब पास्ट ईयर्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट। देखो अब क्या होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी टू बी गियर टूवर्ड्स ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क मैनेजमेंट स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। क्या है फ्रॉड, एक मिनट, तो इसमें ये कहना चाहता है, इस पॉइंट से मेरे को ये पता चलता है कि जो फ्रॉड को करने नहीं, फ्रॉड के लिए ऑडिटर ऐसे 315 कैसे परफॉर्म करेगा, 315 में क्या करता है, वो आइडेंटिफाई तो करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ठीक है, तो वो 315 को फ्रॉड को लेकर कैसे मतलब ऑडिट करेगा। तो यहां पर लिख लो ये चीज कि
ऑडिटर 315 कैसे परफॉर्म करेगा फ्रॉड को लेकर, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो वही दे रखा है, पहले तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा विद मैनेजमेंट। तो इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये आंसर नहीं दे रखा, तो मैं कैसे करवाऊँ, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो रिस्पॉन्स आ गए, इन्होंने आगे भी नहीं दे रखा। ये फिर यही है कि आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करोगे तभी आपको मिलेंगे, वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या क्या बोल रखा है, वाइल परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर द रिलेटेड एक्टिविटीज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट के बारे में। उसको देखो जब वो कर रहा है 315 परफॉर्म, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंटिटी और उसके एनवायरमेंट की, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की। ऑडिटर शेल परफॉर्म द प्रोसीजर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन यूज ऑफ आइडेंटिफाइड ड्यू टू फ्रॉड लाइक इंक्वायरीज। देखो ये रहा इंक्वायरी टू द मैनेजमेंट, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करेगा। मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ उसमें से। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट वो है ना, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा इंक्वायरी में, वो मैनेजमेंट से पूछेगा कि आपके रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है इस फ्रॉड में, आपने भी तो एसेस किए होंगे। तो और जो भी आपके मेडिटेरियल में स्टेटमेंट आपको फ्रॉड के मिले हैं, उसके लिए आपने क्या रिस्पॉन्ड किया है, और क्या मैनेजमेंट ने ये बात TCWG को बताई है कि नहीं, और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इफ एनी एम्प्लॉयज रिगार्डिंग इट्स एम्प्लॉयज ऑन बी एथिकल बिहेवियर। तो मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन में ये भी देखना है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने एथिकल बिहेवियर की प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी। तो बस इतना ही था उसमें, और ज्यादा नहीं था। ट्रेंडिंग एज हाउ रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग दो चार्ज भी गवर्नेंस रिस्पॉन्स नहीं दे रखा है, जो भी मैंने अभी बोला वो सब कुछ दे रखा है। तो ये यहाँ से ही पढ़ लेना, बस यही इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ से इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट से यहाँ तक पढ़ लेना, इसके बाद मैं देख लेता हूँ वेदर द इंफॉर्मेशन ऑप्टेनिंग नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, तो एक्चुअल में ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, ये इसको यहाँ पर पढ़ लेना जो मैंने बताया वही है। इसके बाद आ जाओ रिस्पॉन्सेज टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब आपको मिल तो गया फ्रॉड, अब आपके रिस्पॉन्स क्या रहेंगे इसके लिए। देखो रिस्पॉन्स दो लेवल पे रहते हैं, एक होता है फाइनेंशियल लेवल, एक होता है एसर्शन लेवल। ये भी पेपर में बस रीड करके जाना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया एक मिनट, ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। आपको असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल टेकिंग अकाउंट ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। आपको देखनी पड़ेगी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहा है उसको क्या खुद को उसको नॉलेज है, स्किल्स है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा इवेल्युएट वेदर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड देयर एप्लीकेशन में भी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भैया अकाउंटिंग पॉलिसी तो सही से अप्लाई कर रखी है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब उसकी वजह उसमें भी फ्रॉड हो रहा हो। तीसरा है इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ NTE, मतलब नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आपको देखना है कि आपके खुद के ऑडिट प्रोसीजर तो इसके लिए ठीक है ना, मतलब अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं है ना, आप सही से कर पा रहे हो ना। तो ये तीन आपके रिस्पॉन्स होंगे उसके लिए फाइनेंशियल, मतलब जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो वो मिला है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट मिला है, ठीक है। तो आपने ये चेक कर लिया, इसके बाद आ जाओ फ्रॉड एसर्शन लेवल। उसके बाद दूसरा होता है एसर्शन लेवल पे, मतलब वो तो था पहला और ये होता है दूसरा है एसर्शन लेवल पे कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा एसर्शन लेवल पे। तो यहाँ तो बस एक छोटी सी बात है, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बनाएगा हुज नेचर टाइम इन एक्सटेंड आर रिस्पॉन्सिव टू द एसेस्ड रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द एसर्शन लेवल। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऑडिटर अपना खुद का है ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा उसमें, मतलब ये होता है ऐसे हमारा 330 में आता है, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा ताकि अपना नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड सेट कर पाए उस फ्रॉड को पकड़ने के लिए जो कि एसर्शन लेवल पे हो रहा है। एसर्शन मतलब ट्रांजेक्शन लेवल पे जो हो रहा है, आपकी जर्नल एंट्रीज ट्रेडिंग बैलेंस इनमें जो गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं उसके लिए आपको एक फर्दर ऑडिट प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको चेकिंग करनी पड़ेगी अलग तरीके से और आपको अपना खुद का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, चैप्टर की एंडिंग आने वाली है। सर 53 मिनट से आप लगातार बोले जा रहे हो, अभी तक चैप्टर की एंडिंग नहीं आई सर। हाँ अब दोस्तों आने वाली है, अब कुछ देर ही सही।
ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क रिलेटेड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, क्या ये इंपॉर्टेंट है? आंसर इज येस. इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर. देखो ऑडिटर असेसमेंट इन रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल, देखो मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने कंट्रोल्स का फायदा उठा के गड़बड़ घोटाले करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑडिटर उसको एसेस कैसे करेगा? एक तो आप क्या करो, टेस्ट करो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड्स. आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स को, लेजर को और अदर एडजस्टमेंट को अच्छे से चेक करना, ठीक है, रिव्यू करना उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, ठीक है, वो बायस नहीं होने चाहिए. इवेल्युएट वेदर सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूसिंग द बायस इफ एनी, तो उसमें देखो कि उसमें आरएमएम कितना है फ्रॉड की वजह से, तो वो चीज ध्यान से चेक करो कि उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसी एजम्पशन पे तो नहीं ले रखे, और ले रखे हैं और ऐसे ही मतलब बायस्ड हैं तो देखो फिर उस पर कितना फ्रॉड हो सकता है. इसके बाद आप देखो फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी और दोस अपीयर टू बी अनयूजुअल. आप देखो कि कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अलग है और बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, तो आप उस चीज को चेक करो. Obtaining during the audit, the auditor shall evaluate whether the business rationale have been into engaged in fraudulent financial concealment. तो उस चीज को देखो कि वो उसकी वजह से कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. मैनेजमेंट अगर कंट्रोल से ज्यादा कुछ काम कर रहा है तो उस चीज में आपको ये चेक करना पड़ेगा. अब आ जाओ evaluation of audit evidence, ये छोड़ दो सर, कम मैं बताता हूँ अब आगे क्या करना है. हाँ ये आ जाओ, ये है सबसे इंपॉर्टेंट. सर्कमस्टांसेज इन विच ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. याद है मैंने स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बोला था फर्स्ट पॉइंट में अगर केस स्टडी आ गई तो ये पॉइंट भी लिखोगे. आपको काफी केस स्टडीज में यही पॉइंट लिखना है. ये आएगा कैसे समझ कि किस किस में लिखना है, प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब आपको पता चलेगा. पास्ट ईयर्स के एमटीबी के आरटीबी के सॉल्व करो. ऑडिट में तो यही है, स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर, ठीक है. सर्कमस्टांसेज इन विच, हाँ ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर ऑडिटर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एंगेजमेंट में, तो चलो पढ़ते हैं. तो एक्सेप्शनली सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, ठीक है, जो एनकाउंटर किए हमने अपनी ऑडिट पे जहां पर हमें पता चला. तो यहां पर देखो इन्होंने ये शॉर्ट में दे रखा है, इसको अच्छे से याद कर लेना. पहला पॉइंट कहता है फ्रॉड मिलने पर किस किस को बताना है. तो देखो आपको जैसे ही फ्रॉड मिला, तो आपको तो ऑडिटर टू रिपोर्ट टू द पर्सन में अपॉइंटमेंट, जिसने हमारी अपॉइंटमेंट करी है मैं उसको बताऊंगा और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताऊंगा, ठीक है. और सरकम यहाँ पर ना पॉइंट होगा, हाँ रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेबल इन द सर्कमस्टांसेज, मतलब जिस जिसको जरूरी है उसको बताना है. जैसे कि मान लो आपको फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर का मिला, तो आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताना होता है. सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में आपको कंपनीज एक्ट में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है. तो ऐसा हो कुछ हुआ या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को किसी भी केस में करना हो तो बता के आइए आपको, ठीक है. तो ये आपको करना पड़ेगा आपको फ्रॉड मिला तो. इसके बाद आ जाइए, कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ. अगर आपको लगता है कि विड्रॉ करना सही रहेगा तो आप विड्रॉ कर लीजिए. अब ये पॉइंट डिस्कस करता है इस हेडिंग में, अनेबल टू एंगेजमेंट, मतलब आप ना नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो इस एंगेजमेंट का. आपने कहा भैया ये फ्रॉड मिल गया, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मैं हट रहा हूँ यहाँ से. तो पहले तो आप सही पर्सन को बताइए, जिसने आपकी अपॉइंटमेंट करी है उसको बताइए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको बताइए. दूसरा, आपको विड्रॉ करने की जरूरत है तो आप विड्रॉ कर दीजिए, इफ लीगली परमिटेड. इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर लीगल परमिटेड है तभी आप कर सकते हो. देखो वैसे तो आप कर ही सकते हो विड्रॉ, लेकिन ध्यान से देखो क्या वो लीगली परमिटेड भी है. अब आप कहोगे सर लीगली परमिटेड तो होगा ही ना, अब फ्रॉड है मिला है तो भाई ऐसे क्या आप क्या लॉ मना करेगा, नहीं नहीं आप ऑडिट कंटिन्यू करो, आप छोड़ के मत जाओ. हाँ लॉ मना करेगा, किस केस में, आपने लॉ में पढ़ा होगा, ये पास तो कर लिया होगा लॉ का पेपर, पता है मुझे कैसे पास किया है वो अभी एसपीओ वाला पेपर. तो लॉ में एक जगह आपको बताया था कि आप अगर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो तो आपने अगर 3 क्वार्टर्स की कर ली है तो 4th क्वार्टर की आपका करना जरूरी हो जाता है, वहां आप अपनी ऑडिट एंगेजमेंट नहीं छोड़ सकते हो. समझ आई बात? अगर आपने 3 क्वार्टर का कर लिया है तो 4th क्वार्टर में आप वो एंगेजमेंट को नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको अब ऑडिट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी. आप यहां पर विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वरना आप विड्रॉ कर सकते हो. इसके बाद
बस इसको इतना ही पढ़ना, अरे वैसे इतना ही है। इसके बाद ऑडिटर विड्रॉज, ठीक है, ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा। अगर ऑडिटर विड्रॉ कर रहा है, मतलब इस केस में अगर विड्रॉ कर रहा है, ये है ना, ये एक तरीके से एबीसी पॉइंट नहीं है, ये आगे आगे चल रहे हैं। अब पहला हमने क्या पढ़ा कि वो अनेबल है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर सकता एंगेजमेंट के साथ। तो पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि वो क्या करेगा, किस किस को बताएगा। दूसरा हमने पढ़ा वो विड्रॉ कर लेगा अगर उसको परमिटेड है लीगली। अगर वो विड्रॉ कर लिया उसने तो क्या क्या करेगा, अगर विड्रॉ कर रहा है तो कर लिए, मतलब करने वाला है वो, तो वो डिस्कस करेगा ये सारी बातें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से। मतलब वो मैनेजमेंट और अपने कंपनी के मालिक को जाके बताएगा कि भैया देखो ये है। और दूसरे पॉइंट को ये पढ़ लेना, इसमें बस ये दे रखा है कि आपको रीजन भी बताना है, मतलब आप छोड़ के तो जा रहे हो लेकिन विद रीजन कि बताओ क्यों। ऐसे नहीं होना चाहिए आपको फ्रॉड मिला, ओ भैया भैया फ्रॉड मिल गया, बाय टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। आपको ऐसे थोड़ी ना करना है, आपको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। और ये भी नहीं कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू बताने चले गए कल से मैं नहीं आ रहा, भाई ये रहा मेरा रिजेक्शन लेटर। उन्होंने कहा क्यों नहीं आ रहे, भैया जी फ्रॉड मिला है। हाँ भाई फ्रॉड क्या मिला है वो मैं नहीं बता सकता, बट फ्रॉड मिला है मैं जा रहा हूँ बाय बाय। नहीं, आपको रीजन बताना पड़ेगा, ऐसा लिख रखा है यहाँ पर। देखो कितनी अच्छी बुक है, हर चीज डिटेल में दे रखी है कितनी कॉमन सेंस की बात है वैसे। इसके बाद आ जाओ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में, इसको रीड कर लेना, ये पेपर में नहीं आता। ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्यों ये पेपर में नहीं आता, क्योंकि रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जब ऐसे बना हुआ है तो ये पेपर में क्यों आएगा, ठीक है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, तो यहाँ पर एक बार ये रीड कर लेना पॉइंट्स। कहना क्या चाहता है मैं बता देता हूँ। तो ऑडिटर है ना, हम लोग है ना मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे, क्या कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने इंटरनल कंट्रोल कैसे बनाया है, आपने डिटेक्ट करे हैं कि नहीं करे फ्रॉड, क्या आपने उनको प्रिवेंट किया है कि नहीं किया, आपने क्या सिस्टम बना रखा है डिटेक्ट और प्रिवेंशन का, फ्रॉड का। देखो दिया रखा है यार, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। दे हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर टू रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट एंड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। दे हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड। ये तो बहुत ईजी था, बस खत्म। चौथा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था, इसके बाद आ जाओ कॉम्युनिकेट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ ही आपका ऐसे ही खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे कर लेना, अच्छे से कर लेना, और मैं बता रहा हूँ आपको इसके क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहना। जितना करते रहोगे उतना क्लैरिटी आती रहेगी ऑडिट में। ऑडिट पढ़ना अलग बात होती है, क्वेश्चंस करना अलग बात होती है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।